पीओके पर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और इसी बौखलाहट के चलते आज सुबह से ही जम्मू के पुंछ में लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और सुबह से पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है, मोर्टार ताके जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का भारत की तरफ से कड़ा जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले कल भी पुंछ में ग्रेनेड अटैक हुआ था जिसमें पूरा अमरनाथ यात्रा के 15 यात्री जख्मी हो गए थे। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से नापाक फायरिंग जारी है और मोर्टार ताके जा रहे हैं। पुंछ में ही बूढ़ा अमरनाथ को जा रहे यात्रियों पर हमला किया गया, 15 यात्री जख्मी हो गए। आज सुबह से लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग जारी है, हालांकि भारतीय सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से मोर्टार भी ताके जा रहे हैं। पीओके पर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और इसी बौखलाहट के चलते आज सुबह से ही जम्मू के पुंछ में लगातार सीज़फायर उल्लंघन किया जा रहा है। सुबह से पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से मोर्टार ताके जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का भारत की तरफ से कड़ा जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले कल भी पुंछ में ग्रेनेड अटैक हुआ था जिसमें बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के 15 यात्री जख्मी हो गए थे। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से नापाक फायरिंग आज सुबह से ही जारी है। पुंछ सेक्टर में ये फायरिंग की जा रही है और आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना की तरफ से मोर्टार भी ताके जा रहे हैं, भारतीय सेना भी इसका माकूल जवाब दे रही है। और आज पुंछ में सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। इससे पहले कल पूरा अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया गया था, ग्रेनेड अटैक किया गया था और इसमें 15 यात्री जख्मी हो गए थे। पीओके पर भारत के रुख से बौखला गया है पाकिस्तान। आज सुबह से पुंछ में सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से और कल पूरा अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया गया था, यहाँ पर 15 यात्री जख्मी हो गए थे। कल जो ग्रेनेड अटैक हुआ था इसमें जो 15 यात्री जख्मी हुए थे उनमें से कुछ लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं, घायलों को राजौरी के सेना हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। रात के कोई 3-3.30 बजे से फायरिंग शुरू हुआ बहुत बॉर्डर पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो है सिविलियन लोगों का लॉस हो रहा है क्योंकि धुएं के शोले नजर आ रहे हैं। अभी तो कोई पता नहीं है, हम किसी घर गए नहीं है, लेकिन कोई सिचुएशन का पता नहीं है, लेकिन फायरिंग बहुत चल रहा है। फायरिंग ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और हमारी आर्मी जो है जवाबी कार्रवाई कर रही है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। रविंद्र, पुंछ लगातार आतंकियों के निशाने पर है, ग्रेनेड अटैक भी हुआ वहां पर कल और आज जो है पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट दिखाई जा रही है, पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है और वहां पर लगातार मोर्टार भी दागे जा रहे हैं, ताजा स्थिति क्या है? जी देखिए, ताजा स्थिति की बात करूं श्रमिक, तो अभी भी लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार जो है दागे जा रहे हैं, भारत की अग्रिम चौकियों पर लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। ये साफ पाकिस्तान की हताशा जो है साफ दर्शाता है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान को जिस तरह पीओके को कहा कि वो भारत का हिस्सा है, उसके बाद पाकिस्तान जो है बौखला गया है और आज सुबह उसने 3:30 बजे के करीब उसने फायरिंग शुरू कर दिया जिसमें मोर्टार के गोले दागे जा रहे हैं। खासकर के शाहपुर और केरनी इलाके में लगातार जो गोले दागे जा रहे हैं उससे लोग जो है दहशत में हैं जी। कहीं ना कहीं जो है जम्मू रीजन को जो है अब पाकिस्तान टारगेट कर रहा है, चाहे वो आतंकवाद के जरिए हो, चाहे वो पोस्टर वार हो या फिर एलओसी पर लगातार जिस तरह से फायरिंग की जा रही है उसको लेकर।
बीते कुछ दिनों से पुंछ इलाके में खास करके पोस्टर लगाए गए हैं, पोस्टर वार शुरू हुआ, उसके बाद जो है बीती रात कल जो है ग्रेनेड अटैक हुआ है बुड्ढा मनाथ यात्रियों पर, जिसमें 15 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए थे, जिनकी 4 की हालत जो है गंभीर थी, जिनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। श्रमित, जिस तरह से कश्मीर घाटी लगातार सुलग रही है बुरहान के मारे जाने के बाद, उसके बाद लगातार जो है कोशिश यही की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है जम्मू को छेड़ा जाए, जम्मू के अंदर जो है माहौल को बिगाड़ा जाए, लेकिन यहाँ की जो भाईचारे की मिसाल है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग जो है बिल्कुल आपस में मिलजुल के रहते हैं। हाँ, इक्का दुक्का घटनाएं जो है वो जरूर हो रही है श्रमित। अच्छा रविंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि पुंछ को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ पर पोहटार ताके जा रहे हैं, कितना इलाका प्रभावित हो रहा है इस फायरिंग की वजह से? जी बिल्कुल श्रमित, ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, शाहपुर और केरनी ये इलाका पड़ता है, LOC के बिल्कुल नजदीक इलाका है, और खासकर पाकिस्तान जो है इन्हीं इलाकों से बार बार फायरिंग कर जो है घुसपैठ करवाने की उसकी कोशिश जो है वो रहती है। लेकिन अभी भी जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, पूरा शाहपुर और केरनी इलाका जो है इसके पाकिस्तान की मोर्टार के गोलों की जद में है श्रमित। जी, मोर्टार दागे जा रहे हैं यहाँ पर शाहपुर इलाके में, और ये सिलसिला जो है आज सुबह से ही जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र श्रीवास्तव।